पिछली टर्न पे ऑर्थोपटेरा के सब ऑर्डर कैलिफेरा को हमने कंप्लीट किया। आज हम उसका दूसरा सब ऑर्डर इंसीफेरा में बात करेंगे। इंसीफेरा सब ऑर्डर मल्टी सेगमेंटेड एंटीनी के लिए जाना जाता है, जो कि विच आर लॉन्गर देन दी बॉडी, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उसके कैलिफेरा के अंदर तो छोटी थी और इंसिफेरा के अंदर लंबी होती है। टिम्पनल ऑर्गन जब पाया जाएगा व्हेन प्रेजेंट तो फाउंड इन फोर टिबिया ऑफ दी फोर लेग। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज है जिसके बारे में हमें, कैटेगोनिडिया है, बोनोइडिया के बारे में, सुपर फैमिली जहाँ भी आएगा पीछे ओइडिया लगा होगा, OIDEA, और अगर फैमिली है तो आईडी होगा। जैसे ये नाम टेटी टेटिगोनोइडिया, अब ये होगी टेटिगोनीडी, तो आईडी हो गया। यहाँ ई ए, यहाँ ए ई हो जाएगा और ओ हट जाएगा, ओ हट जाएगा और स्पेलिंग ए इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये ओइडिया और ये आईडी। सुपर फैमिली टेटिगोनोइडिया लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर के लिए भी जानी जाती है। फैमिली टेटिगोनीडी हेयर लाइक एंटीनी पाए जाते हैं। इसके अंदर कोन हेडेड ग्रास होपर, ये जो ग्रास होपर इसमें पाए जाते हैं ये 13 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, यानी कुछ मिलीमीटर से लेकर के 13 सेंटीमीटर हो सकते हैं, जिसमें एंटीनी शामिल नहीं है उनकी, यानी बिना एंटीनी के भी इतना बड़ा साइज इनका हो सकता है। हेयर लाइक एंटीनी होती है। 4 सेगमेंटेड टारसी पाई जाती है इनके अंदर। ऑडिटरी ऑर्गन जब प्रेजेंट होगा तो ये टीबिया के अंदर फोर लेग में पाया जाएगा, और ये इनके अंदर जो मेल्स होते हैं वो एक आवाज़ पैदा करते हैं, स्टिडुलेशन, एक आवाज़ पैदा करते हैं, सिंगे सॉन्ग जिसे कहते हैं, तो वो मेल्स ही करते हैं। फ्रंट टीबिया में ये लेटरल साइड में ब्लेड लाइक एक ओविपोजिटर भी पाया जाता है इनके अंदर, वो आइदर कर्व्ड और स्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, और कई बार ये बहुत लंबा होता है। कुछ कुछ स्पीसीज में देखा गया है कि ओविपोजिटर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी कई बार तो उसकी बॉडी छोटी रह जाती है, ओवरऑल बॉडी जो हेड थोरेक्स एब्डोमन है, लेकिन टिप जो इसकी ओविपोजिटर की है वो उसके कंपेरिजन टू बॉडी से ज़्यादा निकल जाता है। इसके जो मेन केव और कैमल क्रिकेट, ऊंट की तरह ऊंचा उठा हुआ एक पोजीशन लिया होता है, उसको इसलिए कहते हैं। ये जो टेटिगोनिट्स हैं बहुत ही सीरियस पेस्ट के रूप में इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सी जो फील्ड की क्रॉप्स होती है उनको ये डैमेज करते हैं, इसलिए इनकी इकोनॉमी इम्पोर्टेंस है और एक सीरियस पेस्ट के रूप में हम इसकी स्टडी करते हैं। मेल आवाज़ करते हैं और विंग से आपस में टकराने से इनके होते हैं। जब ये फुली विंग होता है तो ये लीव्स की तरह सराउंडिंग से कई बार मिमिक्री भी शो करते हैं। कुछ इनके अंदर ग्राउंड ड्वेलिंग फॉर्म्स पाई जाती है, उनके अंदर यानी ज़मीन के अंदर छोटी छोटी केव सी बना करके, खड्डे खोद करके ये उसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो केव वाली स्टेज होती है उनके अंदर जो केव कंडीशन में, कंसील्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, केव कंडीशन में पाए जाते हैं, उनके अंदर विंग रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वो जो वैसे छुपी कंडीशन में उनको छुपना रहना पसंद करते ही नहीं है, तो वो उड़ते कम शॉर्ट फ्लाइट ही होती है या जंप इधर उधर मूव करते हैं। जो गाना जो ये सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं, सॉन्ग इज प्रोड्यूस बाय रबिंग द फ्रंट विंग टुगेदर एंड इज प्रोड्यूस ओनली बाय द मेल्स। इस स्पीसीज हैज ए करेक्टरिस्टिक सॉन्ग, कुछ अलग अलग स्पीसीज का अपनी आवाज भी अलग अलग होती है। टेटिगोनिट्स जनरली फाइटोफेगस और ओमनीवेरस होते हैं, कुछ इसमें से दे दो पे ऑन अनदर इंसेक्ट, कुछ कार्निवोरस भी होते हैं।
The population of particular species may be economically important, like मरमम क्रिकेट. मरमम क्रिकेट नाम का एग्जाम्पल ये इसका इम्पोर्टेंट एक फेमस नाम है. मरमम क्रिकेट कहते हैं. इसी तरह का चटी गुनी दी एक बहुत अच्छी बड़ी फैमिली है. उसके अलावा गाइलिडी भी है, गाइलोटॉल्पिडी भी है और गाइलोब्लेटिडी भी है, मेंटिडी है, ब्लेटिडी है. ये इनकी मेन मेन इंसिफेरा की और स्पीसीज है. नेक्स्ट टाइम पे हम गाइलोइडिया और गाइलोटॉल्पिडी ले लेंगे. थैंक्स.